भाइयों फाइनली हम लोग सदाबहार पहुंच चुके हैं। ये सारी हमारी बाइक्स खड़ी हुई है और आधे लड़के जो हैं वहाँ पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टे लिया है चाय के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से इंशाल्लाह राइड कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड हैदराबाद। और आज हमारी राइड जो है वो हैदराबाद पर रुकेगी नहीं, वो यहाँ से जाएगी सीधा सक्कर। और सक्कर पे हम लोग एक थोड़ा सा स्टे लेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे का। उसके बाद फिर वहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे सीधा मुल्तान। और हमारा आज कहीं किसी होटल पे स्टे नहीं है, कंटिन्यूस राइट है पिंडी तक। हाँ सरमंत भाई बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन और मोस्ट अवेटेड टूर था ये। और काफ़ी सारे हमारे जो साथी थे वो किसी को डायरिया हो गया, किसी को पथरी हो गई, किसी को छुट्टी नहीं मिली। खैर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ है ये। और ये बैठे हैं राहुल भाई, शाहिद भाई और वो हमारे जो लीडर हैं वो देखें आराम कर रहे हैं। हमारे लीड जो है सो रहा है, अभी सदाबहार पहुंचे और ये आराम कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं 1 घंटा उठ जाऊं, उसके बाद फिर यहां से राइड स्टार्ट करेंगे टूवर्ड हैदराबाद। 1 घंटा बोल रहा है मैं सोऊंगा, उसके बाद मैं उठूंगा, चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, हलवा पूरी खाऊंगा नारायण वाली हलवा पूरी खाऊंगा, उसके बाद फिर चलेंगे। मैं ये समझा था कि गर्मी होगी लेकिन यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मौसम जो है वो बड़ा बेहतरीन है। और फराज भाई लिखा हुआ है ट्रैवल इज़ माय पैशन। और हैदराबाद जो है यहाँ से 93, लाहौर जो है 1190। चलें कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। क्योंकि अब जो राइड है वो हैदराबाद की तो है नहीं, वो सीधा इस्लामाबाद की राइड है। हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू। तो ये आ गया है जामशोरो का टूल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जामशोरो टूल प्लाजा। चल भाई जल्दी कर। तो अब हुआ है भाई असल सफ़र स्टार्ट। सक्कर है यहाँ से 335 किलोमीटर। इंशाल्लाह कोशिश यही है हमारी कि सुबह 12 बजे तक जो है सक्कर पहुँच जाए। हम जो है सईदाबाद के टूल प्लाजा पे पहुंच गए और यहाँ पर भी जो है बाइक का कोई टूल नहीं होता, गाड़ियों का ही टूल होता है। क्या कर रहे हो चाचा? थैंक्स फॉर पेइंग टूल बट नॉट फॉर बाइक। तो भाई ये है सुबह सुबह का मंज़र नेशनल हाईवे का। और कराची से हम लोग 214 किलोमीटर जो हैं वो आगे निकल चुके हैं। और सरमद भाई ने अब बाइक रोकी है, ज़रा पूछते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ? तो भाई सरमद भाई कह रहे हैं 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक करते हैं ताकि इनकी बाइक ठंडी हो जाए। सक्कर यहाँ से है 226 और मोड़ो है 70 किलोमीटर। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे दौलतपुर। मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है तो उसने कहा था फरहान भाई जब आप यहाँ से गुजरे हैं तो मेरे पास ज़रूर आइएगा, तो नाश्ता इंशाल्लाह हम उसी के पास करेंगे चल के। शहर बेनज़ीर भुट्टो इंटरचेंज, यहाँ से जो है ना ये सीरज जमाफ्शा जा रहा है और ये रोड सीधा सीधा सक्कर जा रहा है। एम्बुलेंस जैसे आ रही है ऐसे कि पुलिस वाला आ रहा हो पीछे। तो ये आ गया काजी अहमद सिटी और राइट साइड के ऊपर जो है ना काजी अहमद का बाईपास है। एम इस टाइम तो रश नहीं होगा मेरा ख्याल है, सुबह सुबह का टाइम है तो हम तो शहर से ही चलेंगे।
अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने दोस्त के पास। असल में मैप लगाया हुआ था सरमत भाई ने, तो इनको पता था यहाँ कहाँ से मुड़ना है। तो यहाँ से जाकर इंशाल्लाह भाई से मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं दोबारा से। वो है N5, ये हम लोग N5 से हट के दूसरी जगह पे आ गए। ये सारे के सारे जो है ना गांव बने हुए, ये फसलें लगी हुई हैं, केले की फसल है और वो वाली फसल का नहीं पता कौन सी लगी हुई है, जाके चेक करना पड़ेगा। माशाल्लाह ग्रीनरी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ग्रीनरी ग्रीनरी स्टार्ट होती जाएगी। ये जो है ना गांव है और गांव के अंदर भी पम्प बना हुआ है यहाँ पर, मतलब पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, मस्जिद भी बनी हुई है। और यहाँ से मोरो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर है। ये जो है ना कोई पार्क वार्क बनाया हुआ इन लोगों ने यहाँ पे बैठने के लिए। अबे यार बड़े ख़तरनाक ब्रेकर आ जाते हैं एकदम। फराज भाई गिर गए, उसको उठाओ उठाओ। यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, साइड पे करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, साइड पे करो पहले। यार रेस्ट ले लो थोड़ा सा, रुक के यार रेस्ट ले लो थोड़ा सा। लगी तो नहीं बरात भाई? हाँ लगी तो नहीं, नहीं तैरोगे? हैं लगी तो नहीं पक्का? यार मैं इशारा भी कर रहा हूँ भाई, आराम से आओ आराम से आओ। फराज भाई गिर गए थे तो माशाल्लाह से वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फराज भाई गिर गए थे, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से। अबे तुम नहीं सो जाना। पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के घर पे। यहाँ पर जो है थोड़ी सी देर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। भाई जो है वेलकम कर रहे हैं फूल फेंक के। यासिर भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी करी और ये आप देखें इन्होंने हमारे लिए सारा नाश्ता रेडी किया है। और अभी राइड के बाद यहाँ पे नहाए, नहाने के बाद ये खाने के बाद
फिर हम यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। और ये बैठे हैं फराज भाई आफ्टर एक्सीडेंट। फराज भाई के लिए दुआ करिएगा, फराज भाई का हाथ में चोट आई है, वो ठीक हो जाए जल्दी से। गिरे बड़ा फराज भाई। नाश्ता कर लिया, बड़ा बेहतरीन नाश्ता था यहाँ का, ख़ास तौर पर यहाँ के आम। तो बस अंदर लाइट चली गई तो मैं बाहर आ गया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चला आप लोगों को नज़ारा भी करा देता हूँ। तो ये छोटे छोटे इन लोगों के फार्म बने हुए हैं, यहाँ पर जो है गंदम भी लगी हुई है, कपास भी लगी हुई है। और ये गाड़ा हुआ है मेरा शेर, इस पर सवार होकर अब यहाँ से निकलेंगे शक्कर के लिए। गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है यहाँ पर। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो उस टाइम तो मौसम ठीक था, अब ये जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है तो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअली जगह है दौलतपुर, तो यहाँ से मोड़ो है तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20 किलोमीटर। तो बस यहाँ से अभी थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। राहुल भाई कह रहे हैं कि जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। क्यों राहुल भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं और राहुल भाई जा रहे हैं गांव के अंदर कोल्ड ड्रिंक ढूंढने के लिए। चलो बैठो, चले भाई राइड स्टार्ट करते हैं टूवर्ड शक्कर। सब कुछ रेडी हो गया? विराज भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी मेहमान नवाजी का। छोटू, हाँ छोटू, चले सरमत भाई, कुछ रह तो नहीं गया अंदर? कुछ रह तो नहीं गया, देख लिया था? चले हो गए यासिर भाई। ओहो हो, क्या गर्मी हो रही है उस्ताद, तो हालत टाइट हो गई है। हो सकता है कि भाई यहाँ पर हाईवे पे जो है थोड़ी देर बाइक चलाएं तो थोड़ी सी ठंडी हवा लगे, क्योंकि पसीना तो बहुत आ गया है। और ये आ गया है मोड़ो का टूल प्लाजा। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो रॉयल ताज का एक पेट्रोल पंप है, वहाँ चल के जो है ना ऑयल रिफिल करवाएंगे फ्यूल। गर्मी जो है वो शिद्दत की हो रही है, इतनी टाइट गर्मी हो रही है कि मत पूछो भाई। यह आ गया सीधे हाथ पे रॉयल ताज, यहाँ पे जो है पेट्रोल रिफिल करवाते हैं, क्योंकि पूरे हाईवे पे इन्हीं का जो फ्यूल है ना वो अच्छा होता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड शक्कर। खड़ा है सरमत भाई और राहिल। हम लोग जो हैं शक्कर के करीब हैं, बिल्कुल तकरीबन शक्कर जो है यहाँ से 30 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल। आगे कहीं बोर्ड आ रहा होगा तो वहाँ से पता लग जाएगा।
अब ये जो खजूर के दरख्त जिससे इस तरह करीब आते आएंगे तो ये इसकी निशानी है कि भाई शक्कर करीब आ रहा है, तो ये शक्कर पे ही सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये जिस तरह हम आगे बढ़ते आएंगे तो लेफ़्ट के ऊपर भी और राइट के ऊपर भी काफ़ी दरख्त हैं, ये आप देख रहे होंगे मेरे राइट के ऊपर ये सब लगे हुए हैं। लोगों जो है ना यहाँ पे शक्कर पहुँचते पहुँचते जो है वो थोड़ा टाइम हो गया, उसकी वजह ये कि हमारा एक दोस्त था उसने रोक लिया था पीछे, तो उसने बोला खाना खाए बगैर आपने जाना नहीं आगे। मैंने कहा चलो भाई खाना खा लेते हैं आपके साथ भी। और ये देखें मेरे राइट के ऊपर, अब ये सारे के सारे जो है ना शक्कर तक आपको खजूरों के फार्म मिलेंगे। अच्छा शक्कर जो है यहाँ से है 45 किलोमीटर, अच्छा जब आप इस हाईवे पे चल रहे हैं ना तो यहाँ पर रॉयल ताज के जो है ना पेट्रोल पंप आते हैं जिनका पेट्रोल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, और इस गर्मी के अंदर इनकी कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। अभी मैंने खाई बड़ा मज़ेदार थी इनकी कुल्फ़ी, एक 60 रुपये की होती है एक 70 रुपये की होती है, तो जब आप लोग इस यहाँ पर आएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी आप देख रहे होंगे शायद कैमरे की आंख देख रही नहीं देख रही, लेकिन मेरी आंख ज़रूर देख रही है, वो सामने के सामने पूरे यहाँ से लेकर वो काफ़ी आगे तक जो है वो सारे के सारे दरख्त लगे हुए खजूरों के और आगे भी स्टार्ट हो गए। अच्छा सुबह जो थी वो गर्मी इंतहाई की थी कि समझ लें कि मेरे टॉप बॉक्स में भी कोई सामान पड़ा हुआ था तो आँख की तरह खोल रहा था। अच्छा सुबह जो गर्मी थी भाई मत पूछे, इतनी गर्मी थी कि हालत टाइट हो गई। ये एक होटल पे जाकर लेटा खाना खाने के बाद तो समझ लगे ऐसे लग रहा जैसे किसी ने तंदूर ऑन किया हुआ है, उसका मुंह हमारी तरफ किया हुआ है, इतनी गर्मी है। अभी शुक्र है कि 4:30-5 का टाइम हो रहा है तो गर्मी का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी गर्मी हो रही है। अब जिस तरह हम लोग यहाँ से पंजाब में एंटर होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है कम हो जाएगी। अच्छा और यहाँ पे ट्रैफिक का भी इतना मसला है कि बगैर देखे सामने आ जाएंगे या रोड क्रॉस कर लेंगे, तो ये भी बड़ा देखना पड़ता है ख़ास तौर पे रात के टाइम। अभी आप देख रहे हैं इस तरह की जगह, यहाँ से बाइक लेके चढ़ा के सीधा जो है वो हाईवे के ऊपर आ जाएंगे, और जिस हाईवे के हम लोग चल रहे हैं ये N5 कहलाता है, नेशनल हाईवे। ये है नज़ारा मेरे भाइयों, क्या नज़ारा है माशाल्लाह से। अच्छा यहाँ पर देखें ये दुकानें भी बनी हुई हैं, ये जो इसके पर्स होते हैं, यहाँ जो खजूरें होती हैं डिफरेंट किस्म की और शहद, ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। मोटरवे पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पे। अब जो है ना असल फार्म यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं खजूरों के लेफ्ट और राइट के ऊपर। ये दरख्तों की छांव पड़ रही है, सुकून मिल रहा है भाई चलाने में, मज़ा आ रहा है। और जब यहाँ से छांव ख़त्म होगी धूप होगी तो फिर एक वो समझ लो कि जान निकल जाएगी, इतनी गर्मी होती है। आज फराद भाई गिर गए थे, इन्होंने जंप के ऊपर जो है वो एमरजेंसी ब्रेक मारी, वो भी फ्रंट की डिस्क ब्रेक मार दी एकदम, तो उनका अगला टायर जो है वो स्केट हुआ। अरे आज फराद भाई की हिम्मत है माशाल्लाह से कि बेहतरीन बाइक चला रहे हैं, वरना जिस तरह आज ये गिरे थे ना मुझे तो समझा कि भाई इनका टूर कैंसिल हो गया। अब ये बोलेंगे यहाँ से कि मैं बस पर बैठ के जो है ना वापस कराची आ रहा हूँ, लेकिन भाई इनका स्टेमिना है माशाल्लाह से, ये शक्कर तक जो है बाइक लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मेरे को दर्द नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों ये देखें गन्ने के साथ खजूरें, और ये दुकानें भी बनी हुई हैं खजूरों की यहाँ पे, और वो जो जिसमें रोटियाँ रखते हैं ना छापड़ा कहते हैं जिसको, वो जो उनका ट्रेडिशनल हाथों से जो इन्होंने बनाई हुई होती है,
और यहाँ पर जो है आपको आम भी, इसका शहद भी मिलेगा, छोटी बेरी का, बड़ी बेरी का, बड़ी मक्खी का, छोटी मक्खी का। तो ये जो है शक्कर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से लेफ्ट से जो है ना रोड जा रहा सीधा शक्कर, यहाँ पे फिर आगे जाएंगे तो शक्कर बराज स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रोड है ना सीधी सीधी ये जा रही है पंजाब, यहाँ से जाएगी पन्नो आकेल, पन्नो आकेल से होती हुई फिर ये घोट की उबाड़ो कुश्ता करती हुई फिर ये सात का बाद रहीम यार खान। तो ये जो रोड है लेफ्ट के ऊपर ये जा रहा है सीधा शक्कर। हम यहाँ पे रुकते हैं पीएसओ पेट्रोल पंप पे।